बिहार चल बा आओ बैठा चलो छोड़ के आओ। सो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, आज कुछ ज्यादा दुकान ओपन है, जैसे कि टीवी इलेक्ट्रॉनिक शूज का भी दुकान यहाँ पे ओपन दिख रहा है, कपड़े का भी दुकान ओपन दिख रहा है देखो। लेकिन बाजू में आप एक लाइन देख रहे हो, देखो बाजू में एक लाइन दिख रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार ये कौन सी लाइन है, क्योंकि आगे ना एक बैंक है, देना बैंक और बड़ौदा बैंक दोनों मिक्स है वहाँ पे, और ये सब उस बैंक में ही जाते हैं, और ये ऑलमोस्ट मतलब जितने भी दिख रहे हैं सब गाँव के लोग दिख रहे हैं। सो ये क्या चीज का लाइन है यार, मतलब कोई तो गवर्नमेंट का हेल्प होगा इनको अच्छा वाला, इसलिए इस लाइन है। गाड़ी निकाल रहे बोल रहे साहब, गाड़ी निकालो इधर से। क्या चीज का फॉर्म में हो? गांव जाने के लिए फॉर्म है। ट्रेन यहीं से मिलेगा? अच्छा अच्छा, यहाँ पे भीड़ काय हो गया भाई, एक साथ यहाँ पे 3-4 ट्रक है और जाने की संख्या ज्यादा है। निकल गए भाई, इतने सारे ट्रक एक साथ आए हैं, मतलब लगता है आज के आज ही सारा काम खत्म हो जाएगा भाई, हो जाएगा खत्म आज के आज। ये एक देखना लाल टोपी, बस कोई बोले ना बोले ये पहले बोलेंगे। और कैसे हो? और कैसे हो? बढ़िया। छाप रहे हो दोस्त? हाँ छाप रहे, आ जाओ कल बांटने वाला हूँ। चार नंबर में ही है ना? चल मैं जोर से दबा दिया। तो भाई यहाँ पे हमें आए 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। अच्छा ओए, तभी सोच मैं भूल गया था, अरे ब्रेक कौन था, मैं सोचा भूल गया। हाँ अभी दबा ले, तभी सोच पूरा कैसे दब रहा है ब्रेक यार। इस लॉकडाउन में देखो भाई, मैं ब्रेक कौन सा क्लच कौन सा वो भूल गया था, छोड़ू। हाँ भैया हम यहाँ पे ऐसी मतलब 12 बजे से आके बैठे हैं, देखो 3:30 मतलब 3:30 हो चुका है, और आरी जो दूसरे काम में लग गया था, मतलब कार अर्जेंट काम था, दिखाता हूँ तो गाड़ी के फ्रेशनेस कर दिए, अब जाके हम दूसरी गाड़ी निकालेंगे और उसमें काम करेंगे। तो उस गाड़ी को सुबह से खोल खोल के पूरा गाड़ी का इंजन पूरा हेड वीड सब खोल दिया जिसमें वो बिजी था, अब बस और ये आई थिंक तो 10-15 मिनट का काम है, ये काम खत्म होने के बाद फिर हम टार्जन को लाएंगे और उसका काम स्टार्ट करेंगे। ये हेड में प्रॉब्लम था, इस हेड को पूरा खोल दिया, इसमें एक्चुअली पानी घुस गया था, तो पानी की वजह से इंजन जाम स्टार्टिंग में होता है, तो पूरा हेड खोलना पड़ता है गाड़ी का। सो रियली सॉरी बोलना चाहूँगा, इसमें हो चुका है प्रॉब्लम, जो मैं माइक यूज़ कर रहा था बोआ का, उसका बैटरी ख़त्म हो चुका है, उस माइक में बैटरी लगता है, तो एक प्रॉब्लम हो गया, जस्ट पानी कहीं नहीं मिल रहा था, तो हम गए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भीमनगर गए, जहाँ पे बोरिंग था, बोरिंग में से पानी लेके आए, बिकॉज फ्राइडे है तो किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा, फ्राइडे को बोईसर या MIDC एरिया में पानी और लाइट दोनों चले जाता है, सिर्फ ये 2 पानी मिला हमको, अभी इसमें ही ये पूरी गाड़ी वॉश करनी है हमको। चल भाई स्टार्ट हो जाते हैं भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो इतना कंफ्यूज में कभी नहीं हुआ था कि भाई इसको पहले पानी से धोऊं कि पहले कपड़े से साफ करूं कि भाई डायरेक्ट शैम्पू से साफ करूं, तो पहले मिट्टी सब निकाल लेते उसके बाद काम करते, तो कैसा मिट्टी निकल जाएगा फिर काम होएगा। अब ये तो चिपक गया यार मिट्टी, ऐसा ब्रश नहीं है क्या? ब्रश दूसरा कपड़ा नहीं है, एक ही कपड़ा ही है। हाँ हाँ हाँ, बेहतरीन ले। तो यहाँ पे आरिफ काम पे लगा है, अब हम दोनों काम पे लगते हैं, तो जब तक आप लोग टाइम लैप्स देखो इस चीज़ को क्लीन करने में। और टार्जन का म्यूज़िक ये, तो ये टार्जन का म्यूजिक है। सो अभी जो आपने टाइम लैप्स देखा, बस मतलब हमने इसको पानी से नहलाया, शैम्पू नहीं था, मतलब साबुन से नहलाया कपड़ा धोने वाला, उसके बाद तो देखो
जिस तरह आरिफ जैसे घिसाई कर रहा है वैसे हम भी घिसाई कर रहे थे। मतलब यही है कि छोटे मोटे जो रहते ना इसमें मॉइस्चर जंग वो निकल जाता है। अब जैसे कि देखेंगे यहाँ पे वाइट पेंट था, यहाँ पे वाइट पेंट था, तो ये कैसे ये खुरदरे थे। अभी जैसे ये दिख रहा आपको, ये कैसा खुरदरा है। जब इसे पेंट मारेंगे तो ये स्मूथ नहीं होगा। जैसे नया कार रहता है तो उसको स्मूथ करने के लिए पॉलिश किया जाता है, तो हम लोग बस बेसिक ही पॉलिश मार रहे रफन टफन वाला। आज यहाँ पे घसैया चालू हो गया, घसैया करते करते एक बार हाल देखो पूरा कपड़ा जो वाइट ब्लू हो गया। तो अब ये जींस लगता है मुझे इसके नाम ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पेंटिंग का काम नहीं होगा तक भाई कपड़े लगते तो गंदे। तो वन साइड का काम हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ कर दिया मैंने, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा उधर और बाकी उधर आरिफ कर रहा है। तो वन साइड वो है, वन साइड मैं हूँ, लगे पड़े हैं काम। सामने से कुछ नहीं दिखा रहेगा, तो भाई गाड़ी का यहाँ पे धोधा के पूरा साफ सफाई हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बैड न्यूज आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब गाड़ी को चालू करते हैं, थोड़ा आपको धूप में जाके इसको अच्छे से दिखाते कि अब ये कैसा दिख रहा है। ये स्टार्टर से वायर आएगा ना तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, जो स्टार्टर से वायर आएगा वो प्लस में जाएगा। ओके, जो बॉडी से वायर थी वो माइनस में जाएगा, चलेगा। मैं यही कन्फ्यूज हो गया था इसलिए मैं इसका वेट कर रहा था। तो जो स्टार्टर से वायर आएगा वो प्लस में जाएगा, जो बॉडी से आएगा वो नर्स में जाएगा। ओके, वाह, लाइट वाइट जल गया सब, न्यूट्रल में है भाई, नहीं हो रहा है। अरे पेट्रोल है ना इसमें, तो दिखा रहा है इधर। चलिए चलिए गाड़ी चलिए। थोड़ी देर पहले मैं शाम को क्लच और ब्रेक भूल गया था। हाँ, ब्रेक लग रहा है। धूप में इसलिए लेके आया कि आप प्रॉपर देख ले कि इसको हमने कितना चमका दिया है। साफ तो बहुत अच्छे से कर दिया है, अब खाली इसको पेंटिंग का काम बचा हुआ है। सो कल मूवी हम अच्छे से कर लेंगे इसको पेंटिंग का काम। तो अब एकदम डिसेंट थोड़ा दिख रहा है कि पेंट के बाद मुझे और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। जब इसको अच्छी तरह पेंट कर लेंगे तो लुक इसका अच्छा लगने लगेगा और आप लोगों को और पसंद आएगा ये। और आप लोग भी सजेस्ट करना बाद में इसमें क्या करना है। बहुत लोग बोल रहे कि इसमें तुम बाद में मैक भी लगाना बड़े टायर वाला, वो तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। और इसको हाइट भी लेंगे, थोड़ा सा मॉन्स्टर ट्रक जैसा इसको बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी इजीली हो जाएगा। कहाँ बिहार चले के बा, एक गाड़ी में बिहार चल बा, आओ बैठा चलो छोड़ के आओ, बिहार ही जाई। हमने साफ कर दिया है और जो एक दूसरी खबर बैड न्यूज है वो आपको बताता हूँ मैं। पहले मैं घर पे जाके मैं फ्रेश हो जाऊँ। ओके, ये जो कलर दिख रहा है ये कलर ही ऐसा, इसमें मारा था, फिनिशिंग नहीं दिया था, तो बाकी जो है कल सारा काम होगा इसमें। ओके, गाड़ी चली भी, दौड़ी भी और गर्म भी हो गई थी ये। फैन चालू पता, अरे गाड़ी चला रहा था कि फैन देख रहा था। सो यहाँ पे 6:30 बज गया है और ये इतनी गर्मी है कि पता ही नहीं चलता है कि भाई टाइम कब मतलब ख़त्म हो गया, और लेकिन उजाला अभी तक इतना बहुत है। सो आज गाड़ी में मतलब मस्ती में सीरियसली बहुत काम हो गया। मतलब गाड़ी को हमने ऊपर लाया, उसको क्लीनिंग कर लिया, पेंटर से बात हो गया, अब खाली जो पेंट सेल कर रहा है उससे कॉन्टेक्ट करना है। ये एक अलग मुसीबत, ये ब्रेक का लीवर ही टूट गया, ये देखो, ये भगवान, ये भी अब इसको ठीक से धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। सो ये जो देख रहे हो शाम की भीड़, कि यहाँ पे सब लोग देखो बाहर दिख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया तो उसने बताया कि आज से बोईसर वापस बंद हो जाएगा 17 तारीख तक।
सो यही वो खबर है, मतलब 17 तारीख तक बोईसर वापस बंद कर देंगे जिस तरह पहले बंद था। सिर्फ भाजी की दुकानें और दूध की दुकानें और मेडिकल चालू रहेगा, लेकिन इधर तो चालू है सब कुछ। समझ नहीं आ रहा क्या कुछ भी, मतलब खबर पहुंचा देते हम तक और हम घबरा जाते पूरी तरह से। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।